हे गाइस, वेलकम आप सभी का मेरे चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूँ गैलेक्सी M10 के बारे में कि आपको ये स्मार्टफोन क्यों नहीं खरीदना चाहिए। तो वीडियो की जोर से आप एंड तक देखते रहिए और मैं आपको रीज़न भी दूंगा कि आपको क्यों ये स्मार्टफोन नहीं खरीदना चाहिए, क्या इसका प्राइस ठीक है या नहीं है। तो गाइस, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को जोर से एंड तक देखते रहिए। सो गाइस, यहाँ पर सैमसंग ने अपने दोनों स्मार्टफोन को इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है। सो गाइस, यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ गैलेक्सी M10 की और M20 की। सो गाइस, यहाँ पर जो गैलेक्सी M20 है वो भी काफ़ी बजट फ़ोन है और गैलेक्सी M10 है वो भी बजट फ़ोन है। लेकिन गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको M10 नहीं खरीदना चाहिए, वो क्यों नहीं खरीदना चाहिए। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिए कि आपको स्मार्टफोन क्यों नहीं खरीदना चाहिए, क्या इसके अंदर बुराई है, क्या इसके अंदर अच्छाई है। तो गाइस, यहाँ पर जो गैलेक्सी M20 है ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है अपने प्राइस के हिसाब से और अपने स्पेक्स के हिसाब से। लेकिन जो गैलेक्सी M10 है गाइज, वो ज़्यादा कुछ खास इनोवेशन नहीं लेकर आया इंडिया के अंदर। तो गाइज, सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि इसका डिस्प्ले। गाइज, अगर आप गैलेक्सी M20 को देखेंगे तो उसके अंदर आपको फुल HD+ की डिस्प्ले मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छा है कि उसके अंदर आपको फुल HD+ का डिस्प्ले मिलता है। एंड गाइज, जो गैलेक्सी M10 उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ HD+ की डिस्प्ले मिलती है। हाँ, माना कि उन्होंने अभी अपने इस बजट सीरीज़ में इन्फिनिटी वी यानी कि जो वाटर ड्रॉप नोच होता है वो दिया है, वो काफ़ी अच्छी बात है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। उसकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है गाइस, इसमें कोई बुराई नहीं है। कि ये क्यों बेकार है ये फ़ोन अपने प्राइस के हिसाब से और अपनी स्पेक्स के हिसाब से। अगर आप गैलेक्सी M20 को देखते तो उसके अंदर गाइस आपको नया वाला प्रोसेसर मिलता है जो है एक्जिनोस का 7904। लेकिन गाइस, आपको गैलेक्सी M10 के अंदर आपको वही पुराना ओल्ड चिपसेट मिलता है जो प्रीवियस बहुत सारे स्मार्टफोन के अंदर सैमसंग इन प्रोसेसर को यूज़ कर चुका है गैलेक्सी J3। फिलहाल जो ये जो मेरे पास फ़ोन है वो है गैलेक्सी J3, इसके अंदर भी आपको इसके अंदर प्रोसेसर मिलता है, तो काफ़ी पुराना प्रोसेसर हो चुका है। इन्होंने नया प्रोसेसर हमें ऑफर नहीं किया है इस 8000 वाले बजट के अंदर। एंड गाइस, बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग गाइस, इसके अंदर है जो आपको 2GB 16GB वाला जो वेरिएंट है उसके अंदर आपको 8000 की प्राइस देखने को मिलती है। एंड जो 3GB और 32GB वाला वेरिएंट है उसके अंदर आपको 9000 की प्राइस देखने मिलती है। लेकिन गाइस, अगर आप M20 की बात करते हैं तो वो 11000 के अंदर आपको क्या क्या देता है, वो उसके अंदर आपको USB Type-C देता है एंड फास्ट चार्जिंग उसके अंदर 15W का फास्ट चार्जिंग है, USB Type-C अच्छा खासा, फुल HD+ की डिस्प्ले मिल जाती है आपको, 3+32GB का स्टोरेज मिल जाता है जो कि शायद सफिशेंट है इस बजट के हिसाब से, क्योंकि सैमसंग इस बार कुछ अच्छा किया है। लेकिन उसने गैलेक्सी M10 के अंदर कुछ खास इनोवेशन नहीं किया है गैलेक्सी M2 के कंपैरिजन में ना चाहिए। हाँ, माना कि इन्होंने डिज़ाइन अच्छा दिया है, इस बार इन्होंने ग्लॉसी फिनिश दिया अपने स्मार्टफोन के अंदर जो दिखने में भी काफ़ी अच्छा दिखता है। इसके अंदर आपको जो गैलेक्सी M10 है इसके अंदर आपको फेस अनलॉक देखने मिलता है, आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी नहीं देखने मिलता है। लेकिन आप गैलेक्सी M20 को देखेंगे तो उसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट भी देखने मिलता है और फेस अनलॉक दोनों ही देखने मिलता है। तो गाइस, बात करते हैं बैटरी के। तो बैटरी में गाइस, आपको M20 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि आप बहुत ही मतलब इस प्राइस के अंदर काफ़ी अच्छी बैटरी है, क्योंकि इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। ये कुछ नहीं तो आपका 1-1.5 दिन आराम से निकाल देगी अगर आप PUBG भी खेलते हैं तो। बात करें गैलेक्सी M10 में तो गाइस, इसके अंदर आपको 3400 mAh की बैटरी मिलती है जो कि नॉर्मल फोन्स में देखने को मिलती है। हाँ, माना कि ये प्राइस के हिसाब से इन्होंने दिया है, चलो ठीक है, बैटरी का कुछ वो नहीं है। लेकिन मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप 2 16GB वाला वेरिएंट गाइस कुछ काम का नहीं है वो उसके अंदर ना, आप देखो आजकल का ट्रेंड है PUBG खेलने का। लेकिन गाइस, अगर उसके अंदर PUBG अच्छे से चलेगा ना तो क्या फ़ायदा है। यहाँ पर मेरे पास गैलेक्सी का J6 है, इसके अंदर भी कुछ खास PUBG नहीं चलता है, मतलब लो ग्राफी में भी थोड़ा बहुत हैंग खा। तो गाइस, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप 9000 रुपये खर्चा कर रहे हैं गैलेक्सी M10 के लिए तो गाइस प्लीज़ आप 2000 रुपये और खर्चा करके 11000 वाला वेरिएंट ले लीजिए गैलेक्सी M20 का, क्योंकि उसके मुकाबले गाइस 2000 रुपये पे करने के मुकाबले आपको बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स मिलते हैं। उसके अंदर आपको 15W का अडैप्टर मिलता है जो कि आपके फ़ोन को बहुत जल्दी चार्ज कर देगा, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, USB Type-C है उसके अंदर एंड आपको बहुत सारे फीचर्स भी मिलते हैं उस गैलेक्सी M20 में। एंड गाइस, इसकी डिस्प्ले भी अच्छा खासा है, फुल HD+ डिस्प्ले है, 6.3 inches का आपको स्क्रीन पूरा मिलता अच्छा खासा। बस 2000 रुपये और एक्स्ट्रा खर्चा करिए, माना कि इसका जो प्रोसेसर है 7904 वो स्नैपड्रैगन 636 के मिलता जुलता प्रोसेसर है। लेकिन गाइस, उस प्राइस के अंदर वो फ़ोन काफ़ी अच्छा फ़ोन है। उस प्राइस के अंदर गाइस, कोई भी कंपनी आपको फास्ट चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं देती, USB Type-C भी कोई कंपनी देती, वो सैमसंग ऐसी कंपनी है जो 11000 के अंदर आपको
USB टाइप सी दे रहा है। मैं यहाँ पर M20 की बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फीचर अच्छे अच्छे हैं। हाँ, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, लेकिन उन सबको इग्नोर करो, क्योंकि सैमसंग इस बार बहुत ही अच्छा काम किया है अपने बजट सीरीज़ के अंदर। जो M10 है उसके अंदर अगर आप 9000 रुपये खर्चा करते तो आपको वही लो फीचर्स मिलते हैं जो आपके पुराने फ़ोन में मिलते थे सैमसंग के, वही सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको 9000 पे करना ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर आप 2000 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा डालते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स आपको मिलने वाले इस फ़ोन के अंदर, बजट के अंदर काफ़ी अच्छे प्रोसेसर के साथ में आपको ये फ़ोन भी मिलता है। तो गाइस, मैं आपको इस फ़ोन को इंसान से कंपेयर करके बताऊँ, अगर कोई इंसान है, अगर वो अच्छा दिखता है, हेल्दी दिखता है अच्छा खासा, लेकिन अगर उसको उसका जो हार्ट है वो ठीक नहीं होगा तो क्या फ़ायदा उस इंसान का, कभी भी हार्ट अटैक आएगा, वो मर भी सकता है कुछ भी। वैसे ही स्मार्टफोन में उसका जो हार्ट होता है वो होता है प्रोसेसर, अगर प्रोसेसर ही ठीक नहीं है तो वो फ़ोन ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला। और आप सभी को मालूम है कि सैमसंग के फ़ोन साल भर के अंदर अंदर काफ़ी हैंग खाते हैं। बहुत सारे फ़ोन्स होते हैं जो सैमसंग के, जो थोड़े फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन है, वो भी उतना नहीं हैंग खाते, लेकिन वो भी हैंग खाने लगते हैं आने वाले टाइम में। सो गाइस, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप गैलेक्सी M10 को बिल्कुल भी परचेस मत कीजिए, वो आपके मनी वेस्ट है। आपको उस प्राइस के अंदर कोई भी अच्छा मोबाइल चाहिए तो वो है Realme C1 2019 एडिशन, जो कि 5 फरवरी को लॉन्च होने वाला है इंडिया के अंदर। वो भी काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, वो भी गेमिंग के लिए ज़्यादा अच्छा है। उसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 450 का मिलता है। आप सभी को मालूम है कि स्नैपड्रैगन के जो प्रोसेसर्स होते हैं वो गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, उसके अंदर जो गेमिंग होती है गाइस काफ़ी अच्छे से होती है। तो अगर लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप गैलेक्सी M10 को बिल्कुल भी परचेज़ मत कीजिए। अगर आपको सैमसंग के फ़ोन्स ख़रीदनी है, अगर आप सैमसंग के लवर्स हैं, आपको सैमसंग के नए स्मार्टफोन को फील करना है, तो आप प्लीज़ गैलेक्सी M20 को ही परचेज़ कीजिए। गैलेक्सी M10 के अंदर बिल्कुल भी कुछ खास इनोवेशन इन्होंने नहीं किया है एज़ कम्पेयर टू गैलेक्सी M20 की। गाइस, अगर आपको अगर सैमसंग के फ़ोन पसंद है तो आप प्लीज़ गैलेक्सी M20 को ही परचेज़ कीजिए। तो गाइस, बस यही तो कुछ रीजंस गैलेक्सी M10 को ना बाय करने के। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको गैलेक्सी M10 क्यों नहीं परचेज़ करना चाहिए। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, और लोगों को बताने के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और ज़रूर से कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या ओपिनियन है इस गैलेक्सी M10 को लेकर। तो गाइस, बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपकी वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और जरूर से चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में, किसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।